मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी हुई थी लोकसभा की सीट खाली, जिसको लेकर आयोग ने चुनाव का ऐलान किया था और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मैनपुरी में उतार कर चुनावी दल में छोड़ दिया था, जिसको लेकर 5 तारीख को मतदान भी हो चुका है। 8 तारीख को परिणाम आएंगे। हम जानेंगे मैनपुरी की जनता का मूड कि 5 तारीख को मतदान किया है, क्या लगता है कि क्या उम्मीद जगाई है, क्या साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिलेगा। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच के मत किया और क्या विचार किए थे, क्या उम्मीदों के लेकर आपने मत का प्रयोग किया। क्या नाम है आपका? शशिकांत। शशिकांत जी, मैनपुरी में 5 तारीख को वोटिंग हुई थी बाई इलेक्शन की, मतदान क्या सोच के किया था? मतदान से सोच किया था सब, मतलब शहर का बढ़िया विकास हो, सुविधाएं मिले, मतलब शहर को, है ना, ये सोच समझ के मतलब किया था मतदान। क्या लगता है कि जो बाई इलेक्शन में मुलायम सिंह यादव की जो सिंपैथी का वोट मिलेगा या कमल का फूल खिलेगा, क्या लगता है? यहाँ तो सब साइकिल ही, मतलब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। 5 तारीख को इलेक्शन था, वोटिंग हुई थी, 8 तारीख को परिणाम आएंगे, क्या उम्मीद थी, क्या सोच के आपने मत किया, क्या लग रहा है कि कमल खिलने जा रहा है या साइकिल चलने जा रही है? भाई देखो, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा, और नेताजी की सोच बूझ मैनपुरी में हमेशा दिखी है, और मैनपुरी के अलावा पूरे यूपी का नेताजी ने हमेशा विकास कराया है। और अगर जो बात रही इस बार की, तो इस बार तो मुझे तो ये पूरा पूर्ण रूप से दिख रहा है कि कमल तो मुरझा गया है और साइकिल फिर चलेगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साइकिल पंचर हो गए, ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि इस मैनपुरी में जो भी अब तक विकास हुआ है, चाहे रोड ले लो, चाहे दवाइयां ले लो, चाहे चिकित्सा, चाहे पढ़ाई ले लो, मतलब कोई भी एक ऐसी सुविधा जो बीजेपी पार्टी ने यहाँ दी हो, एक भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो दिया है वो मैनपुरी में दिख रहा है, इस तरह का जो दिख रहा है, तो इसलिए मुझे तो दिख रहा है, एक तो सहानुभूति, यानी नेताजी के निधन पर जो लोगों के अंदर सहानुभूति है, भले ही 1 साल के लिए उपचुनाव हुआ हो, लेकिन सहानुभूति बहुत आगे है, तो इसलिए 80% मतदान लोगों ने, चाहे वो हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चौहान हो, चाहे वो शाक्य वंश का हो, चाहे वो यादव हो, यानी 80% लोगों ने नेताजी को श्रद्धा मानकर श्रद्धांजलि दी है। और अब की बार डिंपल यादव जो है इसमें सांसद बनने का पूर्ण चांस है, अगर बेईमानी न हुई तो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो आखिरी गढ़ है मैनपुरी कहा जाता है, उसमें कील ठोक कर ताबूत में खत्म करने काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह दे, भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 लाख रुपए देने की बात की थी, कील ठोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लाभ दिलाने की बात कहाँ कर पा रहे हैं? एक बात बताइए भाई, अब तक की बात कर रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य के किसानों को सम्मान नित दे रही है और राशन दे रही है गरीबों को, लेकिन तुमसे ले कितना ले रही है ये बात मालूम है? अगर साल भर में यह भारतीय जनता पार्टी आपको लगभग 6500 या 6700 रुपए दे रही है साल भर में, तो आपसे कम से कम 96,000 ले तो रही है, कैसे ले रही है? 9000 वसूल कर रही है एक साल में, तो तुम, वो तुम्हें क्या दे रही है? वो तो तुम्हारी गाड़ी कमाई तुम्हें दे रही है, तो कौन नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से छलावा करते हैं और किस तरह से ये जो है ना बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कल जो परिणाम आएंगे क्या उम्मीद लग रही है, क्या कौन सांसद बनने जा रहा है। सुशील जैन, कल जो परिणाम आएंगे, मतगणना होगी, मैनपुरी से कौन सांसद बनने जा रहा है, किसको सांसद बना रहे हैं? हमारे अनुमान से तो डिंपल यादव ही सांसद बनेंगे। क्या रहा, आपने मत का प्रयोग किया है, मुलायम सिंह यादव के बाद में पहला चुनाव हुआ था, क्या लग रहा है, क्यों दे हुए? ये मुलायम सिंह के मन में उनके बाद ये पहला चुनाव है और उनकी वो क्या कहते हैं उसे, सहानुभूति मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, और उनका गढ़ रहा है, उनने यहाँ काम काफ़ी किए हैं, विकास भी उनने बहुत कराया है, इस हिसाब से जो है चुनाव डिंपल यादव जी ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने कड़ी मेहनत की है, तो इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? अब देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं अपने अपने हिसाब से, कोई मेहनत कम नहीं करता, सभी मेहनत करते हैं, परिणाम तो पर एक ही का निकलता है, जीत भी एक ही होती है, तो जीतेगा तो एक ही। नहीं तो कौन जीतने जा रहा है वो आपके हिसाब से? हमारे अनुमान से डिंपल यादव जीत रहे हैं। इनके हिसाब से डिंपल यादव जीतने जा रही है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में पहला चुनाव हुआ है,
पांच तारीख को वोटिंग हुई है, कल इसके परिणाम आएंगे, क्या लग रहा है कल कौन सांसद बनने जा रहा है? फाइट तो क्लोज है, दोनों पार्टियों ने अपना अपना बहुत जी जान लगा के प्रचार किया है, घर घर जाके वोट मांगे है, तो फाइट तो क्लोज है, दोनों में कोई कहा नहीं जा सकता कौन जीत सकता कौन हारेगा। लेकिन यह है कि जो जीतेगा वो 40-50 हज़ार के बीच का, लाखों की जीत होने वाली है, किसी की वो नहीं होने वाली है। आपने अपने मत का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी की गढ़ में आखिरी कील हम ठोंकेंगे, तो क्या कल कील लग जाएगी या साइकिल चल जाएगी? कील लग भी सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, देखो अच्छे से गढ़ गिरा दिए गए हैं, बीजेपी जनता है, जनता जिसके पक्ष में घूम जाएगी उसका गढ़ गिर जाएगा, गढ़ जनता बनाती है, नेता नहीं बनाते गढ़, नेताओं की तो हवा चलती है, यार कोई चिल्लाता है कि ये होया जी हमारा गढ़ है वो गढ़ है, जनता सब जनता का बनाया हुआ गढ़ होता है, जनता जिसके तरफ झुक जाएगी वो उसका गढ़ हो जाएगा, जनता अगर बीजेपी की तरफ झुक गई बीजेपी जीत जाएगी और सपा की तरफ चलेगी सपा जीत जाएगी, ये कोई गढ़ नहीं होता, किसी का प्रॉपर कोई ठप्पा नहीं होता है। नहीं तो चुनाव तो हो चुका है, अब तो परिणाम आना बाकी है, तो क्या लग रहा है कि परिणाम में किसका नतीजा भारी हो जाएगा? रघुराज सिंह साके का थोड़ा पड़ला भारी है, क्योंकि उनको हर बिरादरी से वोट मिला हुआ है, उनका खुद का पर्सनल साके वोट बहुत अच्छा खासा था, उसके बाद हर बिरादरी का वोट गया है, लेकिन यह बीजेपी के साथ माइनस पॉइंट ये रहा है कि बीजेपी पोलिंग में इतना बहुमत से वोट नहीं डल पाया जितना उनको डालना चाहिए था, वोट कम निकला डालने के लिए, तो उसका भी नुकसान हो सकता है रघुराज सिंह साके को हो जाए, और समाजवादी पार्टियों ने अपना क्या था वोट ढंग से डाला है, बीजेपी का वोट पड़ नहीं पाया है, समाजवादी पार्टी ने अच्छे से वोट डाल दिया है, कल परिणाम आने वाले हैं, किसको सांसद देख रहे हैं? नहीं निसंदेह अब जो बीजेपी का कोर वोटर है वहाँ पे वोटिंग कुछ धीमी रही है, वोटर नहीं निकला है, तो उसका भी एक वो रहेगा बीजेपी के लिए ड्रॉबैक। वैसे जिस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की है यहाँ पे तो बीजेपी के लिए हमें लगता है प्लस पॉइंट रहेगा, फाइट अच्छी होगी, लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि कौन जीत रहा है, लेकिन निसंदेह हमें लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे अपने जो कैंपेन किए हैं यहाँ पे प्रचार किए हैं तो उसको फ़ायदा मिलेगा, और हमें लगता है कि बीजेपी अच्छी फाइट करेगी और जीत भी सकती है। अखिलेश यादव ने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, डोर टू डोर कैंपेन चाहे हो, चाहे जनसंपर्क हो, चाहे रूटों को मनाने का काम हो, मतदान हो चुका है, कल परिणाम आएंगे, तो क्या लगता है सांसद कौन बनने जा रहा है कल आपकी नज़र में? नहीं अखिलेश भैया ने भी खूब मेहनत की है और काफ़ी उन्होंने क्या हमें लगता है कि प्रदेश स्तर की जितने भी सपा के नेता थे सब लोग मैनपुरी में आए हुए थे तो सबने मेहनत की है तो उसका भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कितना फ़ायदा मिलता है ये तो कल ही पता चलेगा। अब फ़ायदा तो हमें लगता है बीजेपी को भी मिलेगा, उन्होंने भी अपने जो भी वोटर थे या सर्व उनको मतलब सर्व समाज का वोट मिला है बीजेपी को, तो बीजेपी को भी फायदा मिलेगा और हमें लगता है कि बीजेपी मैनपुरी में इस बार चुनाव जीत सकती है। बीजेपी इस बार चुनाव जीत सकती है मैनपुरी में, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जानेंगे। मैनपुरी में चुनाव हो चुके हैं, 5 तारीख को वोटिंग हो चुकी है, कल परिणाम आएंगे, क्या लगता है कि आपने मत का प्रयोग किया कल कौन सांसद बनने जा रहा है? रघुराज सिंह साके। क्यों बनने जा रहे हैं? हमने उन्हें वोट किया और मैनपुरी की जनता जानती है यहाँ पे पहले बहुत गुंडागर्दी हुई है, बहुत सारे प्लॉट घेरे गए हैं यहाँ पे, उसको देखते हुए जनता ने अपना निर्णय लिया है कि रघुराज सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी से विजय बनाना है। समाजवादी पार्टी कहती है कि मुलायम सिंह को सिंपैथी के रूप में अपना वोट दे देना, उसको लगता है सिंपैथी कुछ काम में नहीं आई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन लोग यहाँ पे देखते हैं आप हमारे दुकान अभी सामने मेरी दुकान है यहाँ पे, उस दुकान के सामने एक प्लॉट साक्की जी का ही गिरा गया था समाजवादी पार्टी सरकार में, जो हमारे गाँव के पड़ोस में रहते हैं उनका प्लॉट गिरा गया था यहाँ पे, जिसकी कीमत कम से कम आज की डेट में 2.5 करोड़ की कीमत होगी, उन्हें केवल घेरने के बाद सिर्फ मात्र 7 लाख रुपये दिया गया उनको, इसका असर तो पड़ेगा ना। तो कल सांसद किसको देखने जा रहे हैं? रघुराज सिंह साहब। इन्होंने रघुराज सिंह साहब को कल सांसद देखेंगे जी, हमारे तो और भी लोग मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहला चुनाव हुआ है, 5 तारीख वोटिंग हुई, कल परिणाम आएंगे, किसको सांसद देख रहे हैं? डिंपल यादव। क्यों देखेंगे, क्या रीजन है? ये मैनपुरी में जितने भी विकास कार्य कराए गए हैं वो सभी समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए हैं, बीजेपी ने 6 सालों में केवल अभी तक गड्ढे भी नहीं सही तरह से भरवा पाए हैं, इसलिए लोगों का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव ही सांसद चुने गए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सपा का गढ़ मैनपुरी कहा जाता है और मैनपुरी के जो आखिरी गढ़ में उसके ताबूत में कील ठोंकने काम करेंगे, क्या कील कल ठुक जाएगी? ऐसा तो उनका लोहे के चने चबाने के बराबर वो अपना सपना देख रहे हैं, ऐसा तो खैर नहीं होगा, बाकी मैनपुरी की जनता का दिल और मुलायम सिंह यादव जी का दिल
एक दूसरे का हमेशा लगा रहा है, तो ये बीजेपी का सपना कभी हमें तो नहीं लगता है पूरा हो पाएगा। कितने वोटों से अगर जीत होती तो कितने वोटों से जीत होने अनुमान लगाया जा रहा है? करीब 1 लाख से ऊपर। कई लोगों के मूड किसी तरह कई अपने अपने तरीके की बातें थी। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी भी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो प्रेस रेशियो निकल के आया है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में निकल के आया है। अब आखिर ये कल ही पता चलेगा जब वोटिंग खुलेगी उसके बाद में कि किसको बेसरी मिलती है या किसको हार का सामना करना पड़ता है। नदीम सिद्दीकी, TV9।